इस वक्त की बड़ी खबर दतिया से मिल रही है, जहां कुछ दिन पहले प्रदीप विश्वकर्मा ग्वालियर पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आए थे, तो उन्हें उनके घर वालों को तुरंत ही दतिया प्रशासन की सतर्कता से क्वारंटाइन किया गया। जब उनकी रिपोर्ट आई तो आज भी नेगेटिव पाया गया। इसी को लेकर दतिया कलेक्टर ने दतिया वासियों को संदेश दिया और सतर्कता बनाए रखने के लिए अपील की है, और उन्होंने कहा कि आपका दतिया ग्रीन है, माँ पीताम्बरा पीठ की बड़ी कृपा है। दतिया से संगम कुशवाहा की रिपोर्ट। सबसे पहले मैं टेस्ट रिजल्ट्स की बात करूंगा कि जिले में अभी तक 88 प्रकरणों में 88 सैंपल्स टेस्ट के लिए भेजे गए थे, जिनमें से 83 प्रकरण नेगेटिव हैं। इस तरह से अपने जिले में कोई पॉजिटिव प्रकरण नहीं है। कुछ दिन पहले जो टेस्ट भेजा गया था उसको लेकर के आप सबके मन में कुछ चिंता थी, उसको मैं दूर करना चाहूँगा कि जो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री का एक प्रकरण सामने आया था कि जो ग्वालियर में कोई पेशेंट थे पॉजिटिव पाए गए थे, उनके कॉन्टैक्ट में एक अपने नगरीय क्षेत्र के ही निवासी का एक प्रकरण था, वह भी निगेटिव आया है। कुछ थोड़ा समय व्यतीत हो गया था, एक संतुलन बनाए जाने की जरूरत थी, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। आप सब लोग यथासंभव घर पे ही रहें, और जब घर से बाहर निकलना पड़े तो कृपया उसको मास्क पहन करके रखें, और जब बाहर जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। आइए हम सब मिलकर अपने इस दतिया को, माँ पीताम्बरा की नगरी को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दें।